हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस कर आज हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे खनिज जो हमारे संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक बार जब मिनरल्स वाला जब टॉपिक पढ़ा था, खनिज वाला, तो उसमें हम लोगों ने जो अन्य खनिज थे उनके बारे में बात किया था, जिसमें हमने धात्विक खनिज बात किया था, लौह और अलौह खनिजों की बात किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कैटेगरी और है जिसको हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स बोलते हैं। तो हमें आप देखना है आज के टॉपिक में कि ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं क्या, ठीक है, जो ऊर्जा संसाधन है वो आखिरकार होते क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा एनर्जी रिसोर्सेज की, आखिरकार किसे हम एनर्जी रिसोर्सेज कहेंगे आपके शब्दों में। तो देखिए, सीधी सी बात है, एनर्जी रिसोर्सेज जो ऊर्जा संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्त होगी, जिससे हमें शक्ति की प्राप्त होगी। और ये ऊर्जा और शक्ति की जो प्राप्ति है क्यों आवश्यक है, ताकि इससे हम अपना विकास कर सकें, ठीक है। यानी कि जो ऊर्जा संसाधन है उनसे हम देखें, चाहे हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, उसके लिए भी आवश्यक है ये एनर्जी रिसोर्सेज। चाहे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, परिवहन, अगर हम वाया रेल, वाया कार, वाया एयरवेज अगर हम परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, यही ऊर्जा संसाधन। देश का विकास और डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए भी क्या आवश्यक है, यही ऊर्जा संसाधन। अगर हमें डेवलपमेंट करना है, अगर हमको उद्योग धंधे लगाने हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, क्योंकि जो उद्योग है वो बिना एनर्जी रिसोर्सेज के वो चल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आयरन मिल है, आयरन स्टील मिल है, तो उसमें भी हमें कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, उसको पिघलाने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में देखें, उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता है। अगर हमको प्रकाश चाहिए बल्ब के द्वारा, तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हम मानव के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो ये हम लोग ने देख लिया कि अधिकतर जो ऊर्जा संसाधन है उनकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो ना ही विकास, ना ही परिवहन, ना ही हमारी दैनिक जो जीवन है वही संभव नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर ऊर्जा संसाधन होते कितने प्रकार के हैं, हम अगर कैटेगराइज करें ऊर्जा संसाधन को, ऊर्जा संसाधन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनको गैर परंपरागत और परंपरागत। अभी गैर परंपरागत और परंपरागत क्या होता है, एक तो हम इस तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और एवं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है। या तो हम इन्हें गैर परंपरागत और परंपरागत के बेस पर इनको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और अनवीकरणीय मीन्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये होता क्या है, तो देखिए, गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज वो होंगे जो पहले पुराने समय में जिनका प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनके विकास की ओर रुझान बढ़ रहा है, या फिर अब उनके उनका जो है डेवलपमेंट अब किया जा रहा है, आगे आने वाले भविष्य जिसको कहा जा सकता है हम फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, यानी भविष्य के ऊर्जा जो स्रोत हैं
उसको आप कह सकते हैं गैर परंपरागत, यानी जिनका बहुत लंबे समय से पिछले समय से इनका उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो हाईलाइटेड हो रहा है, अब उनके विकास की ओर गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, लोग भी अब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे कि गैर परंपरागत, जिनका पहले से प्रयोग नहीं हो रहा था लेकिन अब वर्तमान में इनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है और निकट भविष्य में इनका बृहद पैमाने में बड़े पैमाने में इनका उपयोग किया जाएगा। तो हो जाएगी गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होंगे? तो देखिए, परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज वो होंगे जिनका एक लंबे समय से मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, प्राचीन काल से मनुष्य के द्वारा जिनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में अब इनके उपयोग को कम करके और इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो परंपरागत क्या हो जाएंगे? जिनको हम पुराने समय से प्रयोग कर रहे हैं, पुराने समय से जिनको हम प्रयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें कि होते ही कौन कौन से हैं, अगर एग्जांपल्स की बात करें, देखिए गैर परंपरागत में आप क्या आ जाएंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को हम लोग एक बहुत पुराने समय से तो प्रयोग कर नहीं रहे, अब वो अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में सोलर एनर्जी की ओर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या फिर भविष्य में इसको और ज्यादा प्रमोट करने का और ज्यादा इसको इसका विकास करने की योजना है, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा। दूसरा इसमें हम बात कर लें जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा, या फिर हम कहें बायोगैस, बायोमास, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, जैसे कि ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सब क्या हो जाएंगी, यानी कि विंड एनर्जी, हवा से जो हम एनर्जी बात कर लें, टाइडल वेव, टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में ज्वार आते हैं उनसे जो हम एनर्जी प्राप्त करें, या फिर भूतापीय ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हो जाएंगे गैर परंपरागत, इसमें से जैसे हम बायोमास कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, तो ये आपके गैर परंपरागत हो जाएंगे। अगर हम परंपरागत की बात करें, परंपरागत कौन से होंगे, सभी लोग जानते हैं, कोल, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, परंपरागत में जैसे यूरेनियम हो गया, उसको भी हम लोग काफी समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे परंपरागत, कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, डीजल, ये सब परंपरागत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि इनका जो पैसेस है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अब जो सरकार है वो इनकी जगह पर अब इनको प्रमोट करने की ओर ध्यान दे रही है, इनके विकास करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा एवं अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, तो देखिए एक अगर हम देखें जो गैर परंपरागत जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो मोस्टली उनमें से अधिकांश इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में उपस्थित होंगे। जैसे कि नवीकरणीय क्या होगा, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम दोबारा से प्रयोग कर सके, ठीक है, या सिंपल शब्दों में यह कहें कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका एक लंबे समय तक प्रयोग करते रहने के बाद भी वो समाप्त नहीं होंगे, उनके जो समाप्ति की जो संभावना है वो नहीं है, यानी उसको हम एक लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं बिना उसके समाप्ति की चिंता करे हुए। जैसे कि अगर हम बात करें नवीकरणीय, नाम से ही दिखा है रिन्यूएबल, जिनको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग कर सकें, तो हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी। अब अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि अगर हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं बृहद पैमाने पर तो वो निकट भविष्य में खत्म हो सकता है? अब मान लीजिए सूर्य की ही लाइफ खत्म हो जाए, तो सूर्य खत्म हो जाएगा तो सोलर एनर्जी समाप्त हो जाएगी, सोलर एनर्जी भी संभव ही नहीं है, वो कंडीशन अलग है, उसके लिए भी करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो आपकी तरह से सोलर एनर्जी हो गया। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, ये भी आपका विंड एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो गया, क्योंकि जब तक हवा है तब तक हम विंड एनर्जी बना सकते हैं, क्लियर। साथ ही साथ जैसे आपके टाइडल वेव्स, जो टाइडल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक है, टाइडल एनर्जी होगी, जियो थर्मल एनर्जी होगी, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं,
ठीक है। चलिए अब अगर हम अनवीकरणीय की बात करें, अनवीकरणीय एनर्जी रिसोर्सेज क्या होंगे, तो वही यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो वो फिर उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार प्रयोग करने के बाद फिर उसकी संख्या धीरे धीरे, उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। जैसे कि कोयला, कोल, अब कोल को हमने अगर एक बार प्रयोग कर लिया तो क्या उसी कोल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कोल क्या है, ये भी नॉन रिन्यूएबल हो गया, जिसका एक ही बार प्रयोग संभव है। पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या इसका दोबारा प्रयोग संभव है? नहीं। यूरेनियम की बात करें हम, यूरेनियम क्या इसका दोबारा से प्रयोग संभव है? क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी है? तो नहीं, एक बार हमने प्रयोग कर लिया तो उसकी उतनी मात्रा समाप्त हो गई, ठीक है। तो हम दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, गैर परंपरागत और परंपरागत में, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अगर हम इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस देखें तो हमें ये भी साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो गैर परंपरागत या जो नवीकरणीय जो ऊर्जा रिसोर्सेज हैं वो लगभग एक ही है, ठीक है। जो स्रोत गैर परंपरागत में शामिल है वही नवीकरणीय में शामिल है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में एक कॉमन चीज ये भी है कि ये इन दोनों में ही शामिल जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो जो प्रदूषण है, प्रदूषण में अपना योगदान नहीं आ देते, ठीक है, यानी कि एक तरीके से पोल्यूशन फ्री है। अगर हम कार्बन का कंटेंट घटाना चाह रहे हैं तो इस वजह से हमें इन दोनों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, यानी कि ये क्या है, ऐसे दोनों जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये जो है प्रदूषण नहीं करते, ठीक है, पोल्यूशन फ्री है। अगर हम इन दोनों की बात करें परंपरागत और अनवीकरणीय की, तो क्या है ये जो है इनसे, इनको जलाने से प्रदूषण होता है, इनके प्रयोग करने से क्या होगा, प्रदूषण हो रहा है, यानी इनमें जो कार्बन है कार्बन कंटेंट अधिक है इसलिए कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है इनके जलाने से, ठीक है। तो ये इनमें एक कॉमन फीचर है दोनों। ये तो हो गया जो हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया कि क्या होता है नवीकरणीय रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल या फिर परंपरागत या गैर परंपरागत। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज की। परंपरागत किसका प्रयोग हो रहा है, पुराने समय से प्रयोग होता चला रहा है परंपरागत, या फिर अगर हम कहते हैं नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, अब जब हम परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग दो तरीके से बांट पढ़ सकते हैं। एक तो ऐसे रिसोर्सेस जिनमें जीवाश्म की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनमें जीवाश्म की उपलब्धता हो, और एक ऐसे जो है रिसोर्सेस होंगे जो कि गैर जीवाश्म होंगे, जिनमें जीवाश्म की उपलब्धता नहीं होगी, ठीक है। तो जो परंपरागत है वो भी दो तरीके में होंगे, एक तो ऐसे जिसमें जीवाश्म की उपलब्धता होगी और एक ऐसे होंगे जो जिसमें जीवाश्म की उपलब्धता नहीं होगी, गैर जीवाश्म होंगे। अब क्या होंगे ये दोनों, जिनमें जीवाश्म की उपलब्धता होगी, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपका पेट्रोल, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक तरीके से जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण, फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो औषधि चट्टानें हैं, उनसे इस पेट्रोल का उत्पादन होता है, ठीक है, मतलब उसी से पेट्रोल का निर्माण होता है, भली बात हम सभी लोग जानते हैं। कोयला की अगर हम बात करें, कोयला क्या है, ये भी जीवाश्म ईंधन है, सब लोग जान रहे हैं कि जब पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए
करोड़ लाखों साल की प्रक्रिया के पश्चात, ठीक है, हम देखते हैं गोंडवाना खंड की जो चट्टाने हैं उनसे, या फिर अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस युग काल की जो पीरियड है उस समय की चट्टानों से कोयले का उत्पादन होता है। ये बात हम लोग बड़ी बात जानते हैं कि पेड़ पौधों के ही दबे होने के कारण कोयले का उत्पादन होगा, जहां पर पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल पहले जहां पर पेड़ पौधों की उपलब्धता नहीं थी वहां से हमें कोयला भी प्राप्त नहीं होगा। तो कोयला हमें ऐसे क्षेत्रों से प्राप्त होगा जहां पर आज से लाखों साल पहले घने जंगल गए होंगे और वो घने जंगल पृथ्वी के नीचे दब गए होंगे। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक तरीके से जीवाश्म ईंधन है, जहां पेट्रोल मिलेगा पेट्रोलियम जहां मिलेगा इस पेट्रोलियम की ही ऊपरी जो पेट्रोलियम है इसके ही ऊपरी परतों में पहले प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगा, पहले प्राकृतिक गैस की एक लेयर होगी, उसके बाद पेट्रोलियम की लेयर होगी और फिर नीचे उसके जल की लेयर होगी, जल की परत होगी, ठीक है। जहां हमें पेट्रोलियम मिलेगा वही हमें प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका जीवाश्म ईंधन हो गया। आप अगर हम बात करें गैर जीवाश्म ईंधन की, तो गैर जीवाश्म ईंधन क्या होंगे, लेकिन जो गैर जीवाश्म ईंधन होते हैं इन्हीं को हम आणविक ईंधन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो गैर जीवाश्म एनर्जी रिसोर्सेस हैं इन्हें को हम क्या बोल देते हैं, आणविक ईंधन। अब ये गैर जीवाश्म कौन से, जिसमें जीवाश्मों के ऐसे ईंधन जिसके बनने की प्रक्रिया में या जिसमें जीवाश्मों का उपलब्धता ना हो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, गैर जीवाश्म हो जाएगी। जैसे कि आपका यूरेनियम, यूरेनियम का तो निर्माण ही उस समय हुआ था जब कार्बन की उपलब्धता नहीं थी, ठीक है। ये किस काल का है, ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हो गया था, जबकि इनका निर्माण तब हुआ जब जीव की उत्पत्ति हो गई, जब कार्बन की उत्पत्ति हो गई उसके बाद इसका निर्माण हुआ, मतलब कि इनमें क्या है, इनमें कार्बन की उपलब्धता है। तो देखा जाए अगर हम देखें जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है इसका निर्माण ही हुआ जाकर टर्शियरी काल में, ठीक है, इसका निर्माण ही टर्शियरी काल में हुआ था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। कोयले की अगर बात करें तो कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस या परमियन काल में हुआ, और इसका टर्शियरी काल में हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है उनका विकास ही तब हो रहा है या फिर उन चट्टानों में वो पाए जा रहे हैं जहां पर जीवाश्म की उपलब्धता है, क्योंकि आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलेगी और सादी चट्टानों में। ये आपका इनकी उत्पत्ति हो गई थी प्री कैम्ब्रियन काल में, जब कार्बन की उपलब्धता ही नहीं थी, जब जो लिविंग थिंग है, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु हैं इनका विकास ही नहीं हुआ था, तब भी ये उपलब्ध थे। यूरेनियम हो गया, उसके बाद अगर बात करें यूरेनियम के बाद थोरियम जिरका हो गया। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब है आपके गैर जीवाश्म ईंधन। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि जिरका हो गया, बेरिलियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट। ये सब क्या हो गए, आपके गैर जीवाश्म ईंधन कैटेगरी में आते हैं, जिरकन, बेरिलियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनको भी हम दो कैटेगरी में लोग बांट रहे हैं, जीवाश्म और गैर जीवाश्म। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या होते हैं, परंपरागत जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें जो जीवाश्म ईंधन है उनके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य उसमें यही है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला।
सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला की। अगर कोयले की बात कर लेते हैं, कोयला क्या है? कोयला जीवाश्म ईंधन है जिसमें जीवाश्म की उपलब्धता होगी। देखिए इसके बारे में पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमारे देश में, या अगर हम वर्तमान में देखें तो अधिकतर, विश्व के अधिकतर देशों में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला ही है। अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत कोयला ही है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो जो कोयला है वो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हमें दिखाई दे रहा है। कुल विद्युत के उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 56% है। कुल विद्युत उत्पादन में योगदान लगभग 56% है। ठीक है, अब कुल विद्युत के उत्पादन में हम लोग देख रहे हैं कि कोयले का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कोयले का ही है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम के द्वारा भी उत्पन्न की जाती है, जल विद्युत के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, सौर ऊर्जा के द्वारा भी होती है, विंड एनर्जी के द्वारा भी होती है। तो इन सभी जो रिसोर्स हैं उनमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा 56% योगदान तो सिर्फ कोयले का ही है। यानी कि कुल जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसमें से 56% का योगदान, जो 56% इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सिर्फ कोयले के द्वारा ही जनरेट की जा रही है। एक चीज और देखते हैं कि कुल कोयले का भारत में जितना संचित भंडार है, भारत में कोयले का जितना भी कुल संचित भंडार है, कुल संचित भंडार का 99% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में उपस्थित है। ठीक है, हमारे देश ने जितना भी कुल टोटल कोयले का जो रिजर्व है वो उपस्थित है उसमें से 99% रिजर्व सिर्फ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। ठीक है, और बाकी जो थोड़ा बहुत 1% बचा तो बाकी का कहां है? बाकी टर्सरी का के, बाकी टर्सरी का। गोंडवाना क्रम की चट्टाने किस काल की हैं? तो ये हैं कार्बोनिफेरस और परमियन काल की। ये कब की हैं? कार्बोनिफेरस और परमियन काल की। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने किस काल की हैं? कार्बोनिफेरस और परमियन काल की। तो 99% जो कोयला है वो तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, और जो बाकी थोड़ा बहुत जो कोयला है 1% में, वो बाकी कहां से प्राप्त होता है? टर्सरी काल से। ठीक है, सीधी सी बात है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने वो अधिक प्राचीन चट्टाने हैं, टर्सरी काल की चट्टाने होंगी, या टर्सरी काल का जो टर्सरी काल जो है वो अधिक नवीन है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, मतलब कि इस समय बना हुआ कोयला अधिक पुराना है, इस समय का जो कोयला है अभी अपने निर्माण की अवस्था में है, और जब इस समय का कोयला अपने निर्माण की अवस्था में होगा इसलिए ये निम्न कोटि का होगा। इसलिए क्या होगा? निम्न कोटि का होगा। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो कोयला है वो अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होगा। कुछ कोयला जो कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक समय का होगा वो कोयला और अधिक उच्च कोटि का होगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे कोयला पुराना होता जाएगा, पहले का हुआ कोयला वो अधिक उत्तम कोटि का होगा, और जो अधिक नया होगा वो क्या होगा? वो निम्न कोटि का होगा, क्योंकि वो अभी अपने निर्माण की अवस्था में है। तो टर्सरी काल का जो कोयला है वो क्या है? अपने निर्माण की अवस्था में है। ठीक है, इससे में अगर हम देखें जो पीट कोयला वगैरह है जिसे हम सबसे निम्न कोटि का कोयला मानते हैं तो वो टर्सरी काल का ही है, क्योंकि वो अपने अभी मध्यवर्ती अवस्था में है, अपने निर्माण की अवस्था में है। चलिए, ये हो गया शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला है। कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 56% है। 99% कोयला का गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां रहा है?
या जो कोयला है, कोयले के भारत में मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कोयले का क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी क्षेत्र। इसी दामोदर घाटी क्षेत्र में ही आपका छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा भी आता है, क्योंकि जो दामोदर नदी है वो क्या है, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच होकर जो है हो जाती है। तो जो दामोदर घाटी क्षेत्र है ये भारत में कोयले के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस दामोदर घाटी क्षेत्र में आपका झारखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी आ जाता है इसी में, कुछ ओडिशा का हिस्सा भी आता है और वेस्ट बंगाल, मुख्य रूप से तो झारखंड और वेस्ट बंगाल है। और दामोदर नदी तंत्र की कुछ अन्य नदियों के द्वारा जो अन्य नदियों का जो क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भी क्षेत्र आता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो महानदी घाटी वाले क्षेत्र में आएगा, लेकिन हम लोग दामोदर घाटी क्षेत्र में इनके कुछ क्षेत्रों को हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो मुख्य तो आपका हो जाएगा झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसलिए हम देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्र, जैसे कि झारखंड के कुछ क्षेत्र बोकारो हो गया, झरिया हो गया, ठीक है, बोकारो झरिया ये जो क्षेत्र है झारखंड के, सिंहभूम जिला हो गया, ये क्या है कोयले के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो रानीगंज, वेस्ट बंगाल का जो रानीगंज जो क्षेत्र है वो कोयले के उत्पादन के लिए काफी अग्रणी है। ये तो क्या दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, जिसमें आपका बोकारो, इसी में कुछ क्षेत्र और आते हैं जैसे कि गिरडीह हो गया, गिरडीह कर्णपुर, ठीक है, बोकारो झरिया सिंहभूम गिरडीह कर्णपुर मूरी, ठीक है, ये क्षेत्र तो ये क्षेत्र है। और वेस्ट बंगाल का रानीगंज ये क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगर हम बात कर लें, दूसरे में आ जाएगा महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये भी अपने कोयले के रिजर्व के लिए काफी प्रसिद्ध है, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। फिर एक आपका आ जाता है सोन घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र में कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का इसमें शामिल होगा और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का शामिल होगा, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र वगैरह वाला जो हिस्सा है वहां से कुछ कोयले का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो सोन नदी घाटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सिंगरौली का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र वाला क्षेत्र, क्या क्या आ जाएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र का कुछ क्षेत्र में थोड़ा बहुत, बहुत अधिक नहीं प्राप्त होता पर थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्राप्त हो जाएगा। तो ये सोन घाटी कोयला क्षेत्र हो गया, ठीक है। महानदी घाटी कोयला जो क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मुख्य रूप से इसका विस्तार है, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, विश्रामपुर हो गया और अंबिकापुर क्षेत्र है। महानदी घाटी में अगर हम बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों जो क्षेत्र है इनमें अधिक विस्तृत है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से झारखंड और वेस्ट बंगाल, कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का हम उसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ महानदी घाटी क्षेत्र में इनका विस्तार है, ठीक है। इनके क्षेत्र मैंने बताए कौन कौन से, जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, अंबिकापुर हो गया और उड़ीसा का तालचेर और संबलपुर। उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्र है, उड़ीसा का तालचेर और संबलपुर, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, अंबिकापुर हो गया, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का आपका कोरबा अंबिकापुर, उड़ीसा का तालचेर और संबलपुर, ये क्षेत्र हो गए महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के प्रसिद्ध क्षेत्र।
तो हमने तीन मुख्य क्षेत्र देखे, दमोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, अन्य की अगर बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। तो और मुख्य क्षेत्रों की बात कर लें तो उसमें चौथा आपका हो जाएगा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र हो गया एक, और एक हो गया राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। सतपुड़ा के भी कुछ क्षेत्रों में नर्मदा नदी के दक्षिण के क्षेत्रों में, सतपुड़ा वाले हिस्से में नर्मदा नदी के दक्षिण में भी कुछ कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, कुछ कोयले के क्षेत्र हैं लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत अगर हम इम्पोर्टेंट जिनके देखें, बहुत अधिक महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें तो पांच ही ऐसे क्षेत्र हैं, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी में जो हम उत्तर पूर्वी राजमहल पहाड़ी का हिस्सा देखते हैं वहां पर कोयले के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर राजमहल पहाड़ी का हम विस्तार पूर्वोत्तर भारत में देखें तो मेघालय का जो कुछ क्षेत्र है, असम मेघालय का, वहां पर भी कुछ कोयले की प्राप्ति होती है। रही बात गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, तो इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, गोदावरी नदी घाटी के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमें कोयले के निक्षेप प्राप्त होते हैं, वहां से हम लोग कोयले का उत्पादन करते हैं। जैसे कि अगर इनमें हम बात करें तो करीमनगर, वारंगल ये तेलंगाना के उत्पादक जिले हो गए, तंदूर और सस्ती इसका करीमनगर हो गया, सिंगरेनी या बेगम हो गए तेलंगाना के। करीमनगर, सिंगरेनी, तेलंगाना के क्षेत्र हो गए, इसमें से खम्मम और वारंगल भी दो क्षेत्र हैं। वारंगल, खम्मम, ये गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र हो गए, मुख्य रूप से तेलंगाना और कुछ क्षेत्र इसमें आंध्र प्रदेश का शामिल है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमा पर तलमटिया एक प्रमुख खनन केंद्र है। झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमा पर तलमटिया प्रमुख खनन केंद्र। ठीक है, तो हमने देख लिए कि कोयला कि जो रिजर्व या कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात कर ली हमने, पांच मुख्य क्षेत्र हैं और पांचों क्षेत्रों के हमने देखिए किस किस स्थान पर कोयले का उत्पादन होता है। हम लोग देख लेते हैं कि कोयला के संचित भंडार और उत्पादन के क्रम में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। पहले संचित भंडार, संचित भंडार के क्रम में कौन कौन से राज्य अग्रणी है, तो इसमें सबसे अग्रणी है झारखंड, सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड। फिर झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़, रिजर्व की बात हो रही है, और फिर उसके बाद ओडिशा, ओडिशा के पश्चात वेस्ट बंगाल। ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और फिर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए वेस्ट बंगाल तो आपने देखिए दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र में आता है रानीगंज, वेस्ट बंगाल का जो रानीगंज जो क्षेत्र है। ठीक है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ आपके दोनों महानदी घाटी वाले क्षेत्र में आ गए, झारखंड का झरिया वगैरह दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्र का, और एमपी सोन नदी घाटी वाले क्षेत्र का, एमपी का जो सिंगरौली मैंने बताया तो आपका सिंगरौली का जो क्षेत्र है एमपी का वो संचित भंडार के लिए, उसमें संचित भंडार काफी अधिक है।
अब अगर हम प्रोडक्शन की बात कर लें, देखिए संचित भंडार होना एक अलग बात है, यानी यहाँ पर रिजर्व है काफी अधिक झारखंड में, लेकिन उन रिजर्वों का अभी उन रिजर्वों से जो दोहन है, जो उत्पादन है वो नहीं उतना अधिक हो पा रहा। तो संचित भंडार की दृष्टि से तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है। अगर हम उत्पादन की दृष्टि देखें तो उसमें सबसे अग्रणी है छत्तीसगढ़। उत्पादन अगर हम देखते हैं तो सबसे उत्पादन में सबसे अग्रणी है छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा और फिर मध्य प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना का भी कुछ तेलंगाना किया जाता है, तेलंगाना में रिजर्व ही कम है। ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है संचित भंडार में झारखंड नंबर एक पर है, छत्तीसगढ़ नंबर दो पर है, लेकिन उसके प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर एक पे है। उड़ीसा क्या है, उड़ीसा भंडार और उत्पादन और दोनों में नंबर तीन पे है, तो उड़ीसा तो नंबर तीन में ही है, ये आसानी से याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोयले के टाइप्स, कोयला आखिरकार होता कितने टाइप का है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब कोयले के प्रकार के बारे में। आप सभी लोगों ने कोयले के चार प्रकार पढ़ रखे हैं पहले से, कोयले के प्रकार, कोयला मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। पहला एंथ्रेसाइट, सबसे पहला एंथ्रेसाइट जिसको सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। फिर दूसरा बिटुमिनस, फिर आपका लिग्नाइट और चौथा पीट। ठीक है, चार प्रकार का कोयला हो गया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करें तो देखिए एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कहा जाता है इसको। अब इसको सबसे उत्तम कोटि का कोयला कहा भी जाता है, कारण क्या है, कारण ये कि जो एंथ्रेसाइट जो कोयला, जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये तो इसका पूर्ण दहन हो जाता है, इसका जो ये जलता है ये पूरी तरीके से जल जाता है, कार्बन ये कम उत्सर्जित करता है। ठीक है, मतलब जो वेस्टेज है, सॉरी कार्बन नहीं, अगर हम वेस्टेज की बात करें तो इसमें वेस्टेज सबसे कम होता है। ठीक है, और अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन इसमें सबसे अधिक होता है, यानी कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा इसमें 80 से लेकर के 95% तक होती है, कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 95% तक होती है। जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ सबसे कम बचते हैं और इसका पूर्ण दहन हो जाता है। सर्वोच्च कोटि का क्यों है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो जाता है। ठीक, और इसी वजह से हमको इससे एनर्जी अधिक प्राप्त होती है, अधिक देर तक एनर्जी प्राप्त होती है, वेस्टेज कम होता है, और जो कार्बन है वो और वेस्टेज इन सबके पीछे का कारण क्या है, तो कारण है कि क्योंकि इस कोयले में 80 से 95% कार्बन की कंटेंट होगी। ठीक है, तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाएगा, और उसका जो कंबशन है, जो दहन है, वो भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा इसलिए उसमें वेस्टेज भी कम बचेंगे, उसमें जो बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ है वो भी सबसे कम रहेंगे। तो जो एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो भारत में पाया जाता है, तो भारत के केवल एक ही क्षेत्र में, जम्मू के आसपास का जो क्षेत्र है, तो केवल जम्मू के पास ही ये एंथ्रेसाइट कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक है, जम्मू के पास एक जिला है जिसका नाम है रियांसी। ठीक है, जम्मू के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रियांसी, जम्मू में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रियांसी, केवल यहीं पर रियांसी क्षेत्र में ही एंथ्रेसाइट कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का कोयला है लेकिन भारत में बहुत कम पाया जाता है, और केवल एक ही क्षेत्र जम्मू का रियांसी है, केवल यही पाया जाता है।
स्वाभाविक सी बात है कि एंथ्रेसाइट कोयला सबसे प्राचीन होगा, क्योंकि उन्होंने बताया जो कोयला जितना प्राचीन होता जाएगा मुख्य रूप से वो उतना ही अधिक अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं बिटुमिनस की। तो ये जो बिटुमिनस जो कोयला है ये भारत में सर्वाधिक उपस्थित है। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक उपस्थित है, ठीक है, यानी जितना भारत में कोयला उपस्थित है उसका तकरीबन 90-95% बिटुमिनस कोयला ही उपस्थित है, यानी भारत में सर्वाधिक उपस्थित है, जितने भी कोयले के रिजर्व हैं उसका 90-95% ये बिटुमिनस कोयला ही उपस्थित है, ठीक है। इसमें कार्बन की कंटेंट कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 50-75% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक काम चला हुआ है, बहुत ज्यादा इसको हम निम्न कोटि का नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये एम्फेसिस के बाद दूसरे कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट कितना है 50-75%, ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही सर्वाधिक पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, यानी कि जितना झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जितना भी कोयले का उत्पादन हो रहा है वो अधिकतम मोस्टली 90% ये बिटुमिनस कोयला ही है। अब हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयला, तो ये जो है ये निम्न कोटि का कोयला है। निम्न कोटि का कोयला है, इसमें कार्बन की अगर परसेंटेज की बात कर लें, कार्बन की उपलब्धता की बात कर लें, तो 30-45% है, इसमें जो कार्बन है कार्बन 30-45% होता है। अब चूंकि कार्बन की मात्रा ही इतनी कम है, मात्र 30-45% कार्बन की मात्रा है, इसी कारण से इसका जो दहन है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, और बाद में जो वेस्टेज है जो अवशिष्ट पदार्थ है वो भी अधिक बचेंगे, ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो इसके अगर हम क्षेत्रों की बात कर लें तो आपका जैसे अरकाट जिला हो गया, तमिलनाडु का अरकाट हो गया, कुछ आपका गोदावरी नदी घाटी वाले क्षेत्र के कुछ क्षेत्र हो गए वहां भी ये पाया जाता है, कश्मीर का करेवा क्षेत्र हो गया, और कश्मीर का करेवा क्षेत्र हो गया, अरकाट हो गया, कहाँ का तमिलनाडु का, ठीक है, करेवा कश्मीर जहां पर जो करेवा मृदा है उसका विस्तार जहां पर मिलता है, ठीक है, वहां पर आपका कश्मीर में लखीमपुर, असम, लखीमपुर असम हो गया, यहां पर भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और साथ ही साथ बीकानेर राजस्थान के बीकानेर है वहां पर भी ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब अंतिम बचा आपका पीट कोयला, तो पीट कोयला जो है सर्वाधिक निम्न कोटि का, सर्वाधिक निम्न कोटि का कोयला है कौन सा, पीट। इसमें जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन का जो कंटेंट है वो 30% से भी कम होता है, ठीक है। तो पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 30% से भी कम होगी, सर्वाधिक निम्न कोटि का कोयला होता है यह, पीट कोट का कोयला है, इसको कहा जाता है कि ये अभी अपने मध्यवर्ती अवस्था में है, यानी कि निर्माण के, इसको हम कह सकते हैं कि अपने निर्माण के मध्यवर्ती अवस्था में है, यानी अभी इसका विकास हो रहा है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अपने निर्माण के ये अपने मध्यवर्ती अवस्था में है। अगर हम पीट कोयले को निकालें तो उसमें अगर हम देखें तो हमें स्पष्ट रूप से लकड़ी के हमें अवशेष प्राप्त होंगे, ठीक है, बाकी अगर हम एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला लेते हैं देखते हैं कि उसमें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि लकड़ी हो, बिल्कुल पूरी तरीके से उसका वो प्रोसेस हो चुका होता है, लेकिन अगर हम पीट कोयले को देखें तो ये अभी भी बिल्कुल भूरा भूरा होता है और इसमें लकड़ी के जो अवशेष है बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें क्या है, इसमें लकड़ी के अंश स्पष्ट दिखाई देंगे,
लकड़ी का अंश स्पष्ट दिखाई देता है, ये दोनों कलर में हमें भूरा दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को हम लिग्नाइट और लिग्नाइट को मुख्य रूप से भूरे कलर का दिखाई देगा, इसलिए हम इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कह देते हैं। तो ये तो हो गया कोयले के प्रकार और कोयले के क्षेत्र कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम, हम लोग पेट्रोलियम को देखते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, आपको पहले बताया कि जहां खनिज तेल मिलेगा पेट्रोलियम मिलेगा, मोस्टली वहीं प्राकृतिक गैस मिलेगी। तो इनके बारे में पहले हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मुख्यतः टर्शियरी काल की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो टर्शियरी काल की चट्टाने हैं उसमें ही, टर्शियरी काल में जैसे कि हम लोग देखते हैं मायोसीन काल हो गया, ईओसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, तो इसमें जो है इन काल की चट्टाने हैं उसमें हमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है टर्शियरी काल की चट्टानों से। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जहां पर भी ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होंगे तो उन क्षेत्रों में विद्यमान कितने इस क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में सबसे ऊपर जो परत मिलेगी वो मिलेगी प्राकृतिक गैस की, उसके बाद जो परत होगी वो होगी खनिज तेल की, और फिर सबसे नीचे मिलेगा हमें पानी। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में हमें खनिज तेल प्राप्त होगा वहां पर प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे रिलेटेड क्षेत्र होंगे। तो जहां हमें प्राकृतिक गैस के अवशेष प्राप्त होंगे संभावना होगी कि यहाँ प्राकृतिक गैस मिल सकती है, तो वहां पर खनिज तेल मिलने की भी पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है, दसवीं काल के जीवाश्म प्रधान और साथी चट्टानों में, यानी कि जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हैं और वो कहाँ अधिक कहाँ से प्राप्त होंगे, तो टर्शियरी काल की जो जीवाश्म प्रधान और सादी चट्टानें हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, उनसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। मायोसीन काल है तो मायोसीन काल के चूना पत्थर की चट्टाने और ईओसीन काल की सेल ईओसीन काल की सेल चट्टाने इन प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार के लिए ये प्रमुख होती हैं, या फिर मायोसीन काल की जो चूना पत्थर चट्टाने और ईओसीन काल की जो सेल चट्टाने हैं इनमें प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के अधिक संचित भंडार होते हैं। तो मायोसीन काल की जो चूना पत्थर की चट्टाने हैं और ईओसीन काल की जो सेल चट्टाने हैं वो ये जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के संचित भंडार के लिए उपयुक्त होती हैं, या यहाँ पर इनके एक बृहद संचित भंडार उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये हो गया खनिज और प्राकृतिक गैस का, थोड़ा सा हम इनका इतिहास देखेंगे। इतिहास के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इनके क्षेत्रों में ये प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा इतिहास देखें कि सबसे पहले कहाँ हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद
कहां कहां इसकी खोज की गई। तो देखिए, जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है ये सबसे अधिक, अगर हम देखेंगे सबसे अधिक ये अब तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। सब सर्वाधिक ये कहां से प्राप्त होते हैं? सर्वाधिक ये अब तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, खनिज तेल प्राकृतिक गैस, जिसे हम ऑफशोर रीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब तटीय क्षेत्र क्या होते हैं कि जो स्थलीय सीमा है उसके बाद समुद्र में। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्थलीय सीमा है ये है और ये आपका समुद्र है। ठीक है, तो ऑफशोर अपतटीय क्षेत्र क्या होते हैं? अपतटीय क्षेत्र होते हैं जैसे कि मुंबई है। कहां है मुंबई? है हमारी स्थलीय सीमा से दूर अरबसागर में स्थित मुंबई है। जैसे कि आलिया बेट द्वीप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कृष्णा गोदावरी मुहाने पर राव्या क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, अब अभितटीय क्षेत्र क्या होंगे? जैसे कि आपका आसाम के क्षेत्रों में डिगबोई हो गया, नून माटी हो गया, यहां से जो तेल प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक ये खनिज तेल प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये अभितटीय क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ये अपतटीय क्षेत्रों से भी प्राप्त होते हैं और अभितटीय क्षेत्रों से भी प्राप्त होते हैं। अभितटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जो मुख्य जो स्थल भूमि है, ठीक है, उसमें जो क्षेत्र प्राप्त होंगे, जो क्षेत्र होंगे उन्हें अपतटीय क्षेत्र कहेंगे, और जो स्थलीय सीमा से दूर समुद्र में जो क्षेत्र उपस्थित होंगे उनको अपतटीय क्षेत्र बोलेंगे, ऑफशोर जोन बोल देंगे। ठीक है, इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारत में खनिज तेल की पहली बार जानकारी उस समय हुई जब भारत में रेल का विकास किया जा रहा था। ठीक है, तो जब भारत में रेल का विकास किया जा रहा था उस दौरान असम के क्षेत्र में जो रेलवे ट्रैक वो बिछाया जा रहा था, तो भारत में 1866 ईस्वी में असम के क्षेत्र में सबसे पहले वैज्ञानिकों को कोई आभास हुआ कि जो इस क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के कुछ निक्षेप उपस्थित हैं। ठीक है, तो भारत में जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी असम के क्षेत्र में, जब रेल का विकास हो रहा था, उसी क्रम में असम के क्षेत्र में कुछ जगहों पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उपस्थित होने का संदेह हुआ, अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने। उसके बाद उन क्षेत्रों में अनुसंधान किया गया, अन्वेषण किया गया और एक कुआं खोदा गया। ठीक है, तो सबसे पहले असम में जो तेल का कुआं है वो नहर कुंग नामक एक स्थान है असम का, वहां पर खोदा गया। 1866 ईस्वी में असम में एक स्थान है नहर कुंग, यहां नहर कुंग में, असम में नहर कुंग में पहला कुआं खोदा गया, पहला कुआं खोदा गया, लेकिन ये क्या हुआ? ये असफल रहा। इससे हमें जो है पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। यहां पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में और निक्षेप है, इस क्षेत्र में हमें खनिज तेल प्राप्त होगा, लेकिन जब खुदाई की गई तो उस कुएं से पेट्रोलियम प्राप्त नहीं हुआ, तो पहली बार तो जब खुदाई हुई तो असफल हो गया। लेकिन फिर 1866 के बाद ही 1867 में असम के ही माकुंग क्षेत्र से 1867 में असम के माकुंग में फिर से कुआं खोदा गया और ये इस बार ये सफल रहा। इस बार 1867 में असम के माकुंग क्षेत्र पहली बार सफलता प्राप्त हुई, तेल का कुआं खोदा गया और वहां से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार कहां खोदा गया, तो 1867 में नहर कुंग में, लेकिन ये असफल रहा। उसी के जस्ट एक साल बाद 1867 में असम के माकुंग में फिर से खुदाई की गई और इस बार जो वैज्ञानिक है वो सफल रहे। फिर देखिए 1889 में 1889 ईस्वी में डिगबोई में भी सफलता मिली, डिगबोई में भी कुआं खोदा गया और डिगबोई में असम के डिगबोई क्षेत्र में वहां पर भी खनिज तेल प्राप्त हुआ, वहां पर भी कुआं खोदा गया और वहां से खनिज तेल प्राप्त होने लग गया।
ठीक है, तो 1889 हमने देख लिया। और फिर हम देखते हैं कि इसी समय जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी का निर्माण के लिए डिगोई रिफाइनरी का निर्माण हुआ। अब चूंकि इन क्षेत्रों से खनिज तेल प्राप्त हो रहा था, इसी वजह से नहरकटिया वगैरह में और फिर उसके बाद डिगोई में रिफाइनरी लगाई गई और यहीं से खनिज तेल प्राप्त हो सकता कच्चा तेल और रिफाइनरी के द्वारा उसको शुद्ध किया जा रहा था, उसके अब जाके सप्लाई हो रही थी। तो हम देखते हैं कि इस समय केवल असम में ही अभी तक खनिज तेल की प्राप्त हो पाई थी और ये चला 1960 ईस्वी तक, यानी 1960 ईस्वी तक भारत में केवल एक ही क्षेत्र था असम जहां से खनिज तेल की प्राप्ति हो सकी थी। लेकिन 1960 ईस्वी में पहली बार क्या होता है कि असम के अलावा भारत के अन्य दूसरे क्षेत्रों से भी खनिज तेल की प्राप्ति की गई। उसमें से हम देखते हैं कि 1960 ईस्वी में गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र है, गुजरात के अंकलेश्वर में खनिज तेल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1960 ईस्वी तक तो भारत में केवल असम ही एक क्षेत्र था जहां से खनिज तेल प्राप्त हो रहा था, लेकिन पहली बार 1960 ईस्वी में गुजरात के अंकलेश्वर में खुदाई की गई। और अब क्या हो रहा कि अब जो असम की जो एक मोनोपोली थी बिल्कुल से कि केवल वही एक क्षेत्र है जहां से खनिज तेल प्राप्त हो रहा है, यह समाप्त हो गया और भारत के दूसरे क्षेत्रों से भी खनिज तेल को प्राप्त करने की संभावना उपस्थित हो गई। और यही जो अंकलेश्वर का जो क्षेत्र जहां से खनिज तेल प्राप्त हुआ था, इसी को नाम दिया गया वसुंधरा। ये तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वसुंधरा क्या है, तो वसुंधरा गुजरात का अंकलेश्वर का वो क्षेत्र है जहां पर पहली बार खनिज तेल प्राप्त हुआ था और उसी को हम लोगों ने उसी का नामकरण कर दिया वसुंधरा। तो ये तो हो गया, ये दोनों क्या है, चाहे केरल का क्षेत्र हो चाहे ये गुजरात का क्षेत्र हो, ये दोनों ही अभी तटीय है, ये दोनों ही क्या है अभी तटीय क्षेत्र है, यानी भारत की स्थलीय सीमा के अंदर उपस्थित क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे पहला जो अपतटीय क्षेत्र में जो अन्वेषण किया गया या जो पेट्रोलियम की जो खोज की गई प्रथम अपतटीय क्षेत्र में, तो वो कहां से की गई और कब की गई उसको हम लोग देखेंगे। ये तो देखें अंकलेश्वर और असम, ये दोनों क्या है, ये अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी स्थलीय सीमा के अंदर जो उपस्थित क्षेत्र है वो है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पहला जो अपतटीय क्षेत्र है, ऑफशोर जो जोन है, अपतटीय क्षेत्र, ये कौन है ऑफशोर जोन, सबसे पहले क्या होता है कि गुजरात में ही अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। इस आलिया बेट द्वीप के पास सबसे पहले एक क्षेत्र प्राप्त हुआ जहां से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के निक्षेप प्राप्त हुए और यहां से हमें खनिज तेल प्राप्त हुआ। ये खनिज तेल को निकालने में उत्पादन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो सबसे पहला अगर अपतटीय क्षेत्र की बात किया जाता है तो कौन सा है, गुजरात के तट पर अरब सागर में आलिया बेट द्वीप। ठीक है, आलिया बेट द्वीप के पास गुजरात का एक स्थान भावनगर, इसलिए गुजरात का जिला है भावनगर, तो भावनगर से तकरीबन 45 मील की दूरी पर, ठीक है, भावनगर तटीय जिला है, उससे लगभग 45 मील की दूरी पर अरब सागर में एक क्षेत्र है आलिया बेट द्वीप और उसी के पास हमें प्राप्त हुआ खनिज तेल का क्षेत्र। फिर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई है, यहां पर 1975 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस बॉम्बे हाई वाला जो क्षेत्र है ये भी अपतटीय क्षेत्र है। ये मुंबई से
दक्षिण पश्चिम में लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, इस त्रिशूल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। तो 1975 ईस्वी में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक क्षेत्र पता चला बॉम्बे है, और 1975 में वो क्षेत्र प्राप्त हुआ, और उसी के अगले साल 1976 ईस्वी से ही यहां से उत्पादन प्रारंभ हो गया। जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो जस्ट अगले साल से 1976 से बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम का उत्पादन प्रारंभ हो गया। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बॉम्बे हाई भारत में प्रथम स्थान पर है पेट्रोलियम के उत्पादन पर। जो बॉम्बे हाई है ये भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन पर प्रथम स्थान रखता है। और अगर हम बात करें कि अब तटीय क्षेत्र से ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है कि अभी तटीय से, तो जो अब तटीय क्षेत्र है इनसे जो उत्पादन है वो अधिक होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्षेत्र जहां से ये प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। तो जब हम असम की बात करेंगे तो असम में से डिगबोई हो गया, सोनाली हो गया, चंदाई गांव हो गया, सूरमा घाटी क्षेत्र, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, इस ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में डिगबोई, नहर कटिया, सूरमा घाटी, ये जो है ये मुख्य उत्पादन क्षेत्र है असम के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र जिसमें डिगबोई, नहर कटिया, सूरमा घाटी आदि उपस्थित है। गुजरात में देखें हम तो अंकलेश्वर हो गया, दाहेल हो गया, कैंपे हो गया। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में अंकलेश्वर, दाहेल, कैंपे, ठीक है, ये गुजरात के हो गए, अंकलेश्वर, दाहेल, कैंपे। आसाम में देख लिया, गुजरात हो गया, ठीक है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई हो गया और आपका बसीन क्षेत्र हो गया। एक आपका देखेंगे हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई हो गया, बसीन हो गया, ठीक है, फिर आपका आलिया बेट, ये तीनों क्षेत्र कहां पे हो गए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गए बॉम्बे हाई, बसीन और आलिया बेट, ठीक है। पूर्वी तटीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक गोदावरी कृष्णा मुहाने पर क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं राव्या। पूर्वी तटीय क्षेत्र में अगर बात करें तो कृष्णा गोदावरी मुहाना, ठीक है, और एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं हम राव्या।
पूर्वी तटीय क्षेत्र का स्थान है आ गया आर ए बी वी ए, ठीक है, ये आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया कृष्णा गोदावरी मुहाना। और ये जो राव्या क्षेत्र है इसमें प्रथम कुआं 1980 में काकीनाडा में सिर्फ 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खोदा गया। ये जो राव्या क्षेत्र है इसमें जो प्रथम कुआं है इस क्षेत्र में प्रथम कुआं, देखिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्रथम कुआं तो हमने देखा बॉम्बे हाई में 1975 में खोदा गया, यहां प्रथम कुआं 1980 ईस्वी में काकीनाडा से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खोदा गया, ठीक है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रथम कुआं 1980 में काकीनाडा से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खोदा गया, ठीक है। फिर एक अन्य क्षेत्र है कावेरी बेसिन, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र हो जाएगा कावेरी बेसिन क्षेत्र, ये क्षेत्र है। तो हमने देखा असम में हमारे जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त होगा, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं अंकलेश्वर दहेज कैंप वे, फिर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, फिर पूर्वी तटीय क्षेत्र, उसके बाद कावेरी बेसिन क्षेत्र, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हो गए खनिज तेल जहां से प्राप्त होता है। अगर हम देखते हैं कि भारत में खनिज तेल की प्राप्ति की संभावना कहां कहां से है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से भारत में प्राकृतिक तेल प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर हम संभावित क्षेत्रों की बात करें कि संभावनाएं किन किन क्षेत्रों से हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होने की, तो जो हिमालय का जो तटीय क्षेत्र, हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र से संभावना है काफी अधिक प्राकृतिक गैस वगैरह प्राप्त होने की। एक और क्षेत्र है गंगा घाटी का क्षेत्र, ठीक है, ये जो गंगा घाटी क्षेत्र है इससे भी काफी संभावना है। राजस्थान का जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, राजस्थान का जैसलमेर, बीकानेर और अंडमान निकोबार का अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं हिमालय का तराई, गंगा घाटी का क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर राजस्थान में और अंडमान निकोबार का अपतटीय क्षेत्र, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां से खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के प्राप्त होने की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमने देखा प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके भंडार कहां पर अधिक है और उत्पादन कहां से अधिक होता है, इसकी बात कर लें। भंडार किन राज्यों में अधिक है और उत्पादन किन राज्यों से, किन क्षेत्रों से अधिक होता है, ठीक है। तो भंडार और उत्पादन के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भंडार में जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है सबसे बड़ा रिजर्व वहां है, फिर असम, फिर गुजरात। भंडार में अगर हम देखते हैं तो जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है ये कुल रिजर्व का लगभग 40% अकेले रखता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया, आलिया गेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आसाम, फिर गुजरात। तो भंडार की दृष्टि से हमने देखा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, असम, गुजरात, फिर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र जहां मैंने बताया राव्या पूर्वी अपतटीय क्षेत्र का
कौन सा क्षेत्र? रागा। उसके बाद फिर अंत में आता है राजस्थान। राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र हैं जिनसे जिनमें भंडार पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको बीकानेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र, बीकानेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर भी संभावित भंडार की अनुमान है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, उत्पादन में यही जो ऑफशोर जोन है, पश्चिमी अपतटीय जो क्षेत्र है ऑफशोर जोन, ये भारत का लगभग 50%, भारत का लगभग 50% प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। कौन से क्षेत्र? जो ऑफशोर जोन है, पश्चिमी अपतटीय जो क्षेत्र है, जब बोलेंगे वेस्ट ऑफशोर जोन, ये भारत का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। फिर उत्पादन अगर देखें तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है उत्पादन में, और चौथे नंबर पर हो गया है असम। ठीक है, तो उत्पादन में ये हो गया, भंडार में देख लिया। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, ये तो दोनों हो गए खनिज तेल के लिए। अगर हम देखें प्राकृतिक गैस के लिए, देखिए प्राकृतिक गैस का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर अगर हम बात करें उसके रिजर्व की, ठीक है, प्राकृतिक गैस के अगर भंडार की सबसे अधिक बात करें तो संभावना है कि जो ईस्ट ऑफशोर जोन है, जो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है, ये भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। इसी ईस्ट ऑफशोर जोन में आपका शामिल हो जाएगा जो गोदावरी कृष्णा का जो मुहाने वाला क्षेत्र है वो भी शामिल हो जाएगा, जो रागा क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, काकीनाडा का जो अपतटीय क्षेत्र है रागा, तो ये आपके प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें तकरीबन 38% भारत की प्राकृतिक गैस प्राप्त होने की संभावना है क्षेत्र से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर आता है असम। तो ये हमने देखा प्राकृतिक गैस के लिए, तो आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि खनिज तेल के जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है वहां पे खनिज तेल का ज्यादा बड़ा भंडार है कि प्राकृतिक गैस का ज्यादा बड़ा भंडार है। तो आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है वहां पर खनिज तेल का ज्यादा बड़ा भंडार है, और जो प्राकृतिक गैस है उसके लिए जो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी और कावेरी का जो बेसिन वाला क्षेत्र है, वो आपके प्राकृतिक गैस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे कि जो प्राकृतिक गैस है, जो जैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है, तो अब हम देखते हैं कि जो रिफाइनरी है, तो रिफाइनरीज को जो रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी को भी स्थापित करने के पीछे तीन आधार होते हैं। ठीक है, तो जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी की भी स्थापना के पीछे तीन आधार होते हैं। या तो जो ये खनिज तेल की जो रिफाइनरी है वो या तो बंदरगाह के निकट लगाई जाती है, ठीक है, या तो ये बंदरगाह के निकट क्यों होंगे, ताकि जो बाहर से जो आयातित तेल है, ठीक है, बाहर से आयातित तेल और घरेलू उत्पादित, इन दोनों का ये प्रयोग करेंगे। बंदरगाह के निकट होने से क्या होगा कि बाहर से जो आयातित तेल है उसका और कुछ घरेलू तेल का भी उपयोग करेंगे। तो एक तो इस आधार पर भी बंदरगाहों के निकट रिफाइनरी की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा आधार होता है रिफाइनरी की स्थापना के लिए कि जो उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्रों के निकट, जैसे कि आपका डिगबोई में उत्पादन भी हो रहा था, डिगबोई में एक रिफाइनरी भी लगाई गई। ठीक है, नहर कटिया से उत्पादन हो रहा था, नून माटी में रिफाइनरी लगा दी गई। तो ये क्या हो गया, उत्पादक क्षेत्रों के निकट, ताकि उत्पादन हो, वहां से रॉ मटेरियल मिले और तुरंत उसको रिफाइनरी में उसको यूज कर लिया जाए। और तीसरा होता है बाजार के निकट,
और तीसरा आधार होता है रिफाइनरीज की स्थापना के पीछे कि इनको बाजार के निकट लगाया जाए। ठीक है, जैसे कि आपका हल्दिया हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, कोच्चि हो गया, मंगलौर, जैसे कि आपका हल्दिया रिफाइनरी, कोच्चि, मंगलौर, ठीक है, हल्दिया, कोच्चि, मंगलौर हो गया, जामनगर हो गया, ठीक है, पारादीप हो गया, ट्रांबे, जामनगर, पारादीप, ये सब क्या है, ये सब है जामपल बंदरगाह के निकट जिनकी स्थापना की गई है रिफाइनरीज की। ठीक है, तो हल्दिया, कोच्चि, मंगलौर, ट्रांबे, जामनगर, पारादीप, ये इन सब रिफाइनरी की स्थापना किस आधार पर की गई है कि बंदरगाह के निकट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ जो ऑयल होगा उसका और कुछ घरेलू जो उत्पादित क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि जामनगर वगैरह है, इसमें क्या होता है कि जो आपका आलिया भेट टीम के पास जो उत्पादन हो रहा है उसका प्रयोग यहाँ कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे अगर उत्पादक क्षेत्रों के निकट की बात करें, यानी कच्चा माल आधारित तेल शोधन केंद्र, तो जैसे टिग्बोई हो गया, बोगाईगांव हो गया, इसमें जैसे टिग्बोई में उत्पादन भी हो रहा है और वहीं पे रिफाइनरी लगा दी गई, बोगाईगांव ये भी असम का है, उत्पादन हो रहा है यहां से, नहर कटिया जो क्षेत्र से उत्पादित खनिज तेल है उसको रिफाइन उसको यहां से रिफाइन किया जाता है बोगाईगांव से। डिग्बोई में तो खुद का उत्पादक क्षेत्र है, तो जो डिग्बोई रिफाइनरी है वहां से इसको प्रोसेस कर लिया जाता है। कोयली गुजरात हो गया, नून माटी, कोयली गुजरात, यहां से भी देखिए नून माटी जो धारकटिया से जो उत्पादन हो रहा है, तो नून माटी जो रिफाइनरी है उसको प्रोसेस किया जाएगा कोयली गुजरात में, आपका आलियाबेट द्वीप से जो जाएगा उसको वहां प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक है नुमालीगढ़ असम, यानी हम देख रहे हैं कि असम की जितनी भी रिफाइनरी हैं वो सब उत्पादक क्षेत्रों के निकट लगाई गई हैं, यानी कि कच्चा माल आयातित क्षेत्रों के पास लगाई गई हैं। ठीक है, यानी कि इसको किस बेस पर लगाया गया है कि जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा है उसी को बेस बनाया गया है। ठीक है, तो और जो जितने भी हमें तटीय राज्य मिलेंगे, ठीक है, उन तटीय राज्यों में इस आधार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि बंदरगाह के निकट लगाए जा रहे हैं और उसमें सबसे अधिक प्रोसेस किया जाएगा इंपोर्ट ऑयल का जो आयातित तेल होगा बाहर से। अब जैसे बाजार के निकट की बात आ गई, तो जो बाजार के निकट वाले के हम देखेंगे, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मथुरा रिफाइनरी है, क्या मथुरा हमारा किसी पोर्ट के पास स्थित है, क्या ना तटीय वो बंदरगाह शहर है मथुरा, ना ही वहां पर कोई भी कच्चे माल की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, कोई क्षेत्र भी नहीं उत्पादक क्षेत्र हो, तो इसको हमने बाजार के निकट के आधार पर लगाया है मथुरा को, क्योंकि वहीं से आगरा और दिल्ली एक बड़े बाजार की प्राप्ति होती है। उसके बाद बरौनी, बिहार का बरौनी, यहां से पटना इसको अच्छी बाजार की आपूर्ति करता है। ठीक है, पटना हो गया, बरौनी हो गया, जैसे करनाल हो गया, बीना, पानीपत, बठिंडा, करनाल, बीना, पानीपत और भटिंडा, ये क्या हो जाएंगे, ये बाजार आधारित रिफाइनरीज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया, पहले हमने कोयले को देख लिया, फिर हमने खनिज तेल और प्राकृतिक गैस देख ली, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, किस आधार पर इन रिफाइनरियों की स्थापना की गई, क्या उसका बेस बनाया जाता है। बेस में आपसे यहां से पूछ लेता है क्वेश्चन की जो हल्दिया जो रिफाइनरी है उसको किस आधार को बेस बना करके हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना की गई है, तो वहां पर आपको बताना है बंदरगाह के जो बंदरगाह है उसको आधार बना करके। ठीक है, जैसे मथुरा बाजार के निकट,
उत्पादक क्षेत्र बनेगा तुम्हें असम के सारे क्षेत्र जो आ जाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाले और कोयली गुजरात का। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये देखा जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। एक हम लोग क्लास लेंगे जिसमें हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करेंगे, जिसमें हम लोग यूरेनियम को देख लेंगे, उसमें हम लोग यूरेनियम के अलावा फिर हम थोरियम को देखेंगे, आपके जिरकन वगैरह हो गया, बेरिलियम हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मैं भी मतलब कल की जो क्लास है उसी में एग्रीकल्चर की क्लास है, तो शुरू के 15-20 मिनट में उसको हम डिस्कस कर लें, फिर हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू क्लास, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में।